स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात भारत के राष्ट्रीय पहचान का आधार क्या है, इसके विशिष्ट पहचान क्या है, इसकी विरासत का प्रमुख कारण क्या है और यहाँ के जो नागरिक हैं उनके दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना को महसूस ऐसे कौन से प्रतीक हैं जो कराते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे राष्ट्रीय पशु बाघ जो है ये मजबूती को दिखाता है, राष्ट्रीय फूल कमल जो शुद्धता का प्रतीक है, राष्ट्रीय पेड़ बनियान जो अमृत को प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय पंछी मोर जो सुंदरता को दिखाता है, राष्ट्रीय फल आम जो देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु को बताता है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान प्रेरणा का कार्य करता है, राष्ट्रीय चिन्ह चार शेर जो बने हैं इसमें चारों शेरों का अलग अलग काम है, एक का शक्ति, दूसरे का हिम्मत, तीसरे का गर्व और चौथे का विश्वास, ये सब दिखाते हैं। तो देश की खास छवि की योजना के लिए कई सारे राष्ट्रीय प्रतीक को चुना गया है जो लोगों को इसके संस्कृत की ओर ले जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपको दिख रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। जैसा कि हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये अगर हम इसको हम कहें कितने आड़ों में है, कितने तरीके से क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, ये सारे हम बात करेंगे। तो भारत का राज्य चिन्ह या फिर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में जब बात करते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों की आड़ी पट्टियों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग का प्रयोग होता है, इसके पश्चात सफ़ेद रंग की पट्टी होती है जिसमें 24 तीलियों वाला धर्म चक्र सुशोभित होता है। सबसे निचली पट्टी हरे रंग की होती है। भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज की परिकल्पना पिंगाली वेंकैया ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान ध्वज की परिकल्पना किसने की थी, तो भारत के वर्तमान ध्वज की परिकल्पना पिंगाली वेंकैया ने की थी। 22 जुलाई 1947 के एक मीटिंग में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के प्रभुत्व के सरकारी ध्वज के रूप में आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे संवैधानिक रूप से संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जैसा कि आपको फिगर में चिन्ह में दिख रहा है, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की आकृति है या कह सकते हैं अशोक स्मृति की जो है अनुकृति जो है ये है। मूल आकृति में चार सिंह हैं जिसमें केवल तीन ही दिखाई देते हैं एक तरफ से देखने पर। सिंह साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है और चक्र में 24 तीलियां हैं। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। कब? 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया तथा जब भारत गणराज्य बना तो इसके जो है भारत के लिए एक सुशोभित किया गया। कभी कभी ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अशोक के स्तंभ शिखर पर कौन सी लिपि लिखी है, तो अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। यानी सत्यमेव जयते का मीन्स होता है सच्चाई एकमात्र जीत है, जो कि मुंडको उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। यानी कहाँ से लिया गया है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब बात करेंगे हम भारत का राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है जिसकी रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। यह गान रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गीतांजलि से लिया गया है। इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया। कब? 24 जनवरी 1950 को। जैसा कि हमें राष्ट्रगान का दिन प्रतिदिन
दिन प्रतिदिन यानी डेली हमें दिन में एक बार राष्ट्रगान का अनुकरण जरूर करना चाहिए। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये हमारा जो है राष्ट्रीय गान है यानी राष्ट्र गान है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में बताया जाए, फिर से बता दें तो 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसिद्ध बंगाली कवि, कलाकार, नाट्यकार, दर्शन शास्त्री, संगीतकार और उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था 27 दिसंबर 1911 यानी 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में इसे पहली बार गाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में कहाँ पे गाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में पहली बार गाया गया था। और इसको गाने का जो समय है एक वो है लगभग 52 सेकंड्स में इसे गाया जाता है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं भारत का राष्ट्र गीत। तो भारत का राष्ट्रगीत जो है, तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में की थी। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारतीय गीत के रूप में मान्यता मिली। भारत का वंदे मातरम जो है यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुम धुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के दो छंद को आधिकारिक रूप से 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। और वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने छंद हैं, 6 छंद है। इसको बंकिम चंद चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 यानी 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा पश्चिम बंगाल का एक शहर हुगली नदी पर अवस्थित कलकत्ता से 35 किलोमीटर उत्तर भारत में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 1909 में श्री अरविंदो घोष द्वारा इसका छंद से अनुवाद किया गया था, जो जाना जाता है मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह किसने किया था, अरविंदो घोष के द्वारा, कब, 1909 ईस्वी में। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जैसा कि हम जानते हैं शक संवत है, यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कैसा है, शक संवत है, या फिर हम कभी कभी कह देते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग। तो भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग बनाया है, जो ग्रिगेरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र व अंतिम माह गुण होता है 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, जो शक संवत 78 ईसा पूर्व आधारित है, 78 ईसा पर आधारित है। यानी कौन कौन से महीने हैं हम आपको बता दें, तो पहला महीना होता है चैत्र का, किसका, चैत्र का होता है, जो कि 30 या 31 डेट का होता है, और ये मार्च में 22 से लगता है, जिसे हम एराइज अगर राशि पे देखें तो मेघ पर होता है। दूसरा वैशाख होता है, 31 का होता है, अप्रैल 21 तरुष वृषभ राशि, और तीसरा होता है ज्येष्ठ राशि, तीसरा होता है ज्येष्ठ राशि 31 मई और 22 से जोड़ेंगे तो जेमिनी मिथुन पे होता है। आषाढ़ जो होता है ये कर्क का होता
होता है श्रावण सिंह का, भाद्रपद कन्या अश्विन तुला, कार्तिक वृश्चिक, अग्रहायण जो होता है ये धनु, पौष जो होता है मकर, माघ जो होता है जनवरी का यानी एक्वेरियस यानी कुंभ, फाल्गुन जो होता है ये फरवरी में आता है मीन जिसे कहते हैं, यानी हिंदी महीने कौन कौन से हैं, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, पूस भी कहते हैं इसको, माघ और फागुन। कब इसे लिया गया, 22 मार्च 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में साका कैलेंडर को अंगीकृत किया गया था, जब ये कैलेंडर सुधार कमेटी द्वारा नेपाल संबद्ध से प्रस्तुत हुआ था। ये कैलेंडर साका युग पर आधारित है। इस कैलेंडर की तारीख ज़्यादातर ग्रिगेरियन कैलेंडर की तारीख से मिलती जुलती हैं। साका कैलेंडर को पहली बार आधिकारिक रूप से चैत 1879 कब 1879 साका काल या 22 मार्च 1957 को इस्तेमाल हुआ था। कैलेंडर सुधार कमेटी के प्रमुख तारा भौतिकविद मेघनाथ शाह और दूसरे सहयोगियों को एक कदम सही कैलेंडर बनाने के लिए कहा गया था, जिसे पूरे देश के लोगों को अंगीकृत करें। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय संकल्प। कई बार आता है कि जब हम भारतीय लोग कभी संकल्प लेते हैं, कभी हम शपथ ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो संकल्प पत्र होता है उसमें क्या लिखा होता है, तो उसमें होता है भारत मेरा देश और सभी भारतवासी मेरे भाई और बहन हैं, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और मैं इसकी समृद्धि और विभिन्न विरासत पर गर्व करता हूँ, मैं अवश्य हमेशा इसके लिए योग्य मनुष्य बनने का प्रयास करूंगा, मैं अवश्य अपने माता पिता और सभी बड़ों का आदर करूंगा और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करूंगा, अपने देश और लोगों के लिए मैं पूरी श्रद्धा से संकल्प लेता हूं, उनकी भलाई और खुशहाली में ही मेरी खुशी है। ये भारत का राष्ट्रीय संकल्प है कि जो कि भारतीय गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय संकल्प के रूप में राजभक्ति के कसम को अंगीकृत किया गया था। सामान्यतः ये कसम भारतीयों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में और विद्यार्थियों द्वारा किसी राष्ट्रीय अवसरों स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में गाया जाता है या कहा जाता है। ये स्कूली किताबों के आमुख पृष्ठ पर भी लिखा होता है। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय फूल या भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलंबो न्यूसीफेरा है। वाणी, विद्या व संगीत की देवी सरस्वती इसी पुष्प पर विराजमान रहती हैं। पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। कमल जो कि वास्तविक नाम नी, अगर हम निकालेंगे साइंटिफिक नेम से तो हो जाएगा नी लिंबो न्यूसीफेरा, एक पावन भारतीय फूल है, जिसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया। भारतीय कला और पुराणों में प्राचीन समय से ही एक अलग प्रतिष्ठा बनाई है। इस फूल ने पूरी दुनिया में ये भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि में किया जाता है। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय फल या भारत का राष्ट्रीय फल क्या है उसके बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम जो है वो है मेनिगीफेरा इंडिका है। आम में विटामिन ए, सी व डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन से विटामिन, विटामिन ए, सी और डी। अब बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जी हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा है, जो कि 2510 किलोमीटर 2510 किलोमीटर है, कितना है 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस नदी के किनारे बसी है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रखती है। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा इसे ईश्वर के समान पूजा होता है और इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिमक्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में गंगा की उत्पत्ति हुई है। भारतीय महासागर के उत्तर पूर्वी भाग, बंगाल की खाड़ी में मल त्याग और गंदगी छोड़ने से
छोड़ने में इसे तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में गिना जाता है। यानी थोड़ा सा आपको बता दें तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल तक बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। एक क्वेश्चन जो क्विज के रूप में है आप लोगों से पूछा जा रहा है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो वॉच किए हैं तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि जब भारत की जो राष्ट्रीय नदी है यानी गंगा जी हैं, जब ये गंगा में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो गंगा नदी है बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है यानी राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। इस यह वृक्ष काफ़ी विशालकाय होता है, यह रात में भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। यानी भारतीय बरगद का वास्तविक नाम क्या है अगर पूछा जाए तो वानस्पतिक नाम फिकस बेंगालेंसिस को भारत के राष्ट्रीय पेड़ के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसे अविनाशी पेड़ माना जाता है क्योंकि ये अपने जड़ों से बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में नए पौधों को विकसित करने की क्षमता रखता है। भारत में प्राचीन समय से ही ये लंबी आयु का अभिलक्षण और महत्व रखता है। अब आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पैंथ्रा टाइग्रिस लिन्नायस, कौन सा, यह पैंथ्रा टाइग्रिस लिन्नायस प्रजाति का पशु है जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। कि ये क्या कहा जाता है, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर, क्या, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई, 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय जलचर यानी भारत का राष्ट्रीय जीव यानी राष्ट्रीय जीव कैसा, जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में ये सहायक होती है। अब बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। यह काफ़ी सुंदर एवं शांत पक्षी है जो अपने अनुपम नृत्य हेतु प्रसिद्ध है। मोर को अंग्रेजी में ब्लू पिकॉक कहा जाता है। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन भी है, किसका, भगवान कार्तिकेय का वाहन है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो है रुपया, जिसका प्रतीक चिन्ह रुपये, रुपये जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, मैप में दिख रहा है, जिसका रुपये चिन्ह ये इस तरीके से अब आने लगा है। रुपये का प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने बताया, किसने बनाया, डी उदय कुमार, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है, डी उदय कुमार ने बनाया था। रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था, कब किया था, शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। अगर थोड़ा सा हम इस पर बात करें तो कह सकते हैं भारतीय करेंसी से संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को रू देवनागरी व्यंजन और लातिन अक्षर आर से चिन्हित किया जाता है, जो 2010 में अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, 2010 में अंगीकृत किया गया। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। नकली करेंसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आरबीआई ने पैसा बोलता है नाम से एक वेबसाइट भी शुरू की थी। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। 1928 से 1956 तक की अवधि को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, क्या, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय दिवस, तो भारत का जो राष्ट्रीय दिवस क्या है, इससे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो है भारत का राष्ट्रीय दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस जैसा कि आप
आने वाला है, सभी को, सभी भाइयों को, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था। सभी राष्ट्रीय दिवस को राजपत्रित अवकाश के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यानी इसी के साथ एक क्वेश्चन ये जान लेते हैं, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। राजव्यवस्था कैसी है? संसदीय। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 545। राज्यसभा में 250। कुल राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो मैंने राष्ट्रीय चिन्ह यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पे जो वीडियो लेके आया, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अब आज का लास्ट पॉइंट आपके सामने शेयर करता हूँ, राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय गणराज्य की राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तय की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं शासकीय घोषित की गई हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। विश्व में हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यानी अगर देखा जाए कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वैसे सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है विश्व में, और तीसरे नंबर पे आती है भारत की राष्ट्रभाषा या भारत की राजभाषा हिंदी, जो कि तीसरे स्थान पर आती है। हम आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।